पाकिस्तान का नापाक चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ। पाकिस्तान मीडिया ने जीआईटी की रिपोर्ट लीक होने से एक बार से फिर से पाकिस्तान की कलाई खुल गई। रिपोर्ट में जीआईटी ने पठानकोट हमले को ड्रामा करार दिया है। जीआईटी का कहना है कि पठानकोट में हमला भारतीय अथॉरिटीज ने ही कराया और दुनिया का ध्यान खींचने के लिए 3 दिनों तक ड्रामा किया गया। जीआईटी का यहां तक कहना है कि भारतीय एजेंसियां अभी तक हमले में पाकिस्तान का हाथ साबित नहीं कर पाई हैं। जीआईटी ने एनआईए के अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया है। जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें एक बार फिर जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान कभी नहीं सुधरेगा उसी की तस्वीर दिखी और कहा है कि भारत ने ड्रामा किया है। पठानकोट हमला करके खुद उन्होंने ही करवाया और फिर वहां जब टीम पहुंची तो एनआईए ने सहयोग नहीं किया। ये जीआईटी ने कहा है और सबसे बड़ी बात है कि भारत को बदनाम करने की पूरी कोशिश जीआईटी और पाकिस्तान ने की। भारत के इस ड्रामे से पाकिस्तान की इमेज खराब हुई है। जीआईटी ने कहा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है, जैसी उम्मीद थी पहले से ही और वही हुआ। कुछ दिनों से में नवाज शरीफ के सामने ये रिपोर्ट देश के जीआईटी के भारत दौरे पर एनआईए के अधिकारियों ने सपोर्ट नहीं किया। जीआईटी का कहना है यानी कि जो असली चेहरा है पाकिस्तान का वो एक बार फिर दिखा है और जो उम्मीद थी कि पाकिस्तान यही रवैया अपनाएगा वही उसने किया है। जो रिपोर्ट लीक हुई है उसमें इन बातों का जिक्र। पहले कहते थे कि नॉन स्टेट एक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है, उनकी प्रधानमंत्री का और दूसरे वहां पे स्टेटमेंट्स आए वहां के कि ये पाकिस्तान से हुआ है। अब जीआईटी से ये ऐसी कह रही है कि पाकिस्तान का इसमें कोई रोल नहीं, भारत स्टेट मैनेज्ड है। ये लगता है पाकिस्तान बिल्कुल सीरियस नहीं है, दूसरे तरीके सोचने पड़ेंगे आतंकवाद को रोकने के लिए। भारत में शीर्ष स्थानों पर बैठे लोग ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान इस बात को कबूल कर लेगा कि पठानकोट या गुरदासपुर में उनका हाथ है, तो वो बिल्कुल ही यहाँ तो ख्याली दुनिया में रहते हैं या मानसिक रूप से पूरी तरह से पैदल है। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को भारत बुलाना ही नहीं चाहिए था, बुला करके अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी किरकिरी कराने का काम भारत सरकार ने किया है। अभी किसी भी तरह का कोई अधिकृत बयान कहीं से नहीं आया है, उसके बाद उसको लेकर के हो हल्ला मचाना, उड़ी उड़ाई बातों पे, हवा हवाई बातों के आधार पर बड़े बड़े लोगों का रिएक्शन करना, रिएक्ट करना, हमें लगता है ये कतई ठीक नहीं है। जो भी गुनाहगार है उसको सजा मिले, इस दिशा में हमारी सरकार मजबूती के साथ काम कर रही है। और सवाल खड़े किए हैं अरविंद केजरीवाल ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने पठानकोट हमले की जांच के लिए आईएसआई को देश में कदम रखने की इजाजत देकर भारत माता की पीठ में छुरा घोंपा है। किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने इस तरह से घुटने नहीं टेके जितने श्री नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेके हैं पाकिस्तान के सामने। अब हम पूरी दुनिया के सामने जाके कैसे कहेंगे कि आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है? अगर अब आप अमेरिका के साथ पास जाके कहोगे, पूरी दुनिया के साथ पास जाके कहोगे आईएसआई आतंकवाद फैला रहा है, तो अमेरिका कहेगा भाई आप ही ने तो जांच के लिए बुलाया था, आईएसआई कहां आतंकवाद फैला रहा है, वो आप ही ने जांच के लिए फैलाया था। कि भारत माता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, इतना बड़ा धोखा आज तक कभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। और उधर एनआईए ने खारिज कर दी है पाक मीडिया की रिपोर्ट। पठानकोट हमले पर लीक रिपोर्ट गलत है, एनआईए ने कहा है। एनआईए ने पाकिस्तान मीडिया की रिपोर्ट को खारिज किया है। पाकिस्तान को काफी सबूत दिए गए हैं, ये एनआईए ने कहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया मिली, सरकार की तरफ से मिली और यह कहा गया कि अभी कोई अधिकृत बयान पाकिस्तान की तरफ से नहीं आया है और इस रिपोर्ट को पाकिस्तान के पीएम के पास पहुंचने दीजिए, उसके बाद ही देखा जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सीधे तौर पर हमला बोला और उधर एनआईए ने भी पाक मीडिया की इस रिपोर्ट को खारिज किया।